जिंदाबाद इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद जिंदाबाद रिटायर्ड लीडर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी जिंदाबाद। मैं इरिगेशन फ्लड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी का सरबरा हूं और यहां पर मेरे जितने भी कैडर जिनके रिप्रेजेंटेटिव है ओवर सबर वर्क एसोसिएशन है मैकेनिकल एसोसिएशन मैकेनिकल एम्प्लॉयज एसोसिएशन है पटवार एसोसिएशन है कैजुअल लेबर एसोसिएशन यहाँ है सीजनल लेबर एसोसिएशन है तमाम इस बैनर तले अपने मामला जायज़ मामला को हल कर रहे हैं और हमें किसी जो बाहर से कोई यूनियन है हाँ कोई ईजैक है या कोई भी जो भी ट्रेड यूनियन लीडर है हम उनकी मुदाखलत नहीं चाहते हैं हमें उनकी ज़रूरत नहीं है वो हमारे लिए काबिल एहतराम है लेकिन जहां तक हमारे मामलात का सवाल है हम अपने मामलात हल हो रहे हैं हमें किसी चीज़ की मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है और जहां तक इस प्रोटेस्ट का ताल्लुक है आइए प्रोटेस्ट इस लिए जो है इनकार किया गया कि एक सो कॉल्ड जो रिटायर्ड आदमी है जो कई सालों से अपनी सबकदोशी की ज़िंदगी गुजार रहा है वो हमारे इस डायरेक्टरेट ऑफिस में दाखिल हुआ और यहाँ गाली गलौज किरदार कुशी और हमारे हेड क्लर्क साहब का गिरेबान पकड़ के उस पर हमला किया और जिसके मुतलिक अगले ही दिन हम चीफ साहब से मिले और हमने कोऑर्डिनेशन कमेटी का वफद जिसमें तमाम एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव थे हमने मांग की कि इस मामले के तयीन जो है इंक्वायरी की जाए और उसने उसी वक्त इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी और इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट जो है सबमिट की चीफ साहब को और इस रिपोर्ट में ये पाया गया कि ये मजकूरा शख्स जो है ये सबकदोश हो चुका है और इसका अपना ज़ाती मामला है वो ज़ाती मामला ये है कि उसकी जो डिस्प्यूट है डेट ऑफ बर्थ में वो केस यहाँ पर चल रहा है अगरचे वो 80% जो है हल हो चुका है उसका जो पेंशन है वो रिलीज़ हो चुका है उसकी ग्रेजुएटी रिलीज़ हो चुकी है अब जो डिस्प्यूटेड डेट ऑफ बर्थ का जो पीरियड है वो कॉम्पिटेंस हमारे चीफ साहब या हमारे डायरेक्टरेट को नहीं है दैट डिस्क्रिप्शन लाइंग विद द गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए वो केस हम बहसियत यूनियन हम बहसियत ट्रेड हमारा यह हक बनता है कि हम उसके हक में चीफ साहब से या गवर्नमेंट से जो है अपील करें कि इसका ये मामला हल किया जाए अगर जायज़ है लेकिन उसके साथ हम उसकी मुदाखलत यहाँ नहीं चाहते हैं वो उसका ये वतीर रह चुका है कि वो इससे पहले भी डिस्चार्ज हुआ है इसी मिसबिहेव पर इसी मिसकंडक्ट पर और उसके बाद पिछले साल जब हमारी यहाँ आयमना जी थी वो एसओ थी वो रिटायर्ड हो गई उसके साथ भी उसने बदतमीज़ी की और गाली गलौज की उस दफ़ा भी हमने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया उसके बाद जो यहाँ सीजनल लेबर का प्रेजिडेंट है सजाद साहब और उसका जो दूसरा साथी है गांधर अली मोहम्मद साहब उनके साथ भी जो है बदतमीज़ी और गाली गलौज लड़ाई वगैरह की जिसके मुतलिक हमारे राजबाग थाने में ऑलरेडी FIR पर्चा कट चुका है और हम बस हम यही चाहेंगे हम ये आपके माध्यम से ये आवाज़ देना चाहते हैं कि जो भी ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं यहाँ पर काम कर रहे हैं हमारे इरिगेशन फ्लड कंट्रोल का जो भी मुलाजमिन है हम एक बैनर तले एक कोऑर्डिनेशन कमेटी के नीचे काम कर रहे हैं हमें किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है हमारे मामलात में दाखिल अंदाजी नहीं की जो है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हमसे गुजारिश करते हैं कि जो सबकदोश इंसान है वो हाजिर सर्विस मुलाजिम को कैसे रिप्रेजेंट कर सकता है किन मामला में रिप्रेजेंट कर सकता है और हम उससे भी वाजह करना चाहते हैं उस पर कि आप अपनी जो है जो आपका मामला है वो मामला आप गवर्नमेंट के साथ उठाएं हम उसके साथ हैं अगर उसका कोई हजाइज मामला है लेकिन हम आपके माध्यम से चीफ इंजीनियर साहब और गवर्नमेंट साहब गवर्नमेंट के जो है अपील करना चाहते हैं कि जो कमेटी ने रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करके कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए बस इतना हमारा कहना है। थैंक यू सर।